हम लोग को 24 घंटा हो गया काम छोड़े हुए यहाँ पे, और हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं भूखे प्यासे, पैसे भी नहीं है उतना। रेलवे ट्रैक रोकना भी हमारी कोई मंशा नहीं होती, ना ही हमारी मंशा कोई रोड रोकने की होती है। ट्रेन नहीं है। हम लोग को 24 घंटा हो गया काम छोड़े हुए यहाँ पे, और हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं भूखे प्यासे, पैसे भी नहीं है उतना, थोड़ा बहुत पैसा है साथ में। 6 घंटा, सुबह 10 बजे का टाइम था, अभी ऑलमोस्ट 3 बज गए और अभी भी 4:30 तक का है। कोई कारण बताया नहीं? क्या लगता है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं? बिल्कुल, मदर हैं, ओल्ड एज हैं, बच्चा छोटा है। ਤਕਰੀਬਨ ਓਵਰਆਲ 24 ਘੰਟੇ 250 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ 50% ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? 50% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਓਵਰਆਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। भी हमारी कोई मंशा नहीं होती, ना ही हमारी मंशा कोई रोड रोकने की होती है। हमारी मंशा ये है कि देखिए, हमारा एक नौजवान अनीज खक्कड़ जो, वो लगातार आज 35 दिन हो गया अनशन पे है, और सरकार को बार बार निवेदन कर रहे हैं, उसकी कोई गुनाह भी नहीं है, उसका उसके ऊपर कोई इतनी बड़ी बड़ी उसने अपराध नहीं किया, सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा है वो लड़का, आंदोलन का हिस्सा तो हम सारे हैं, सभी लोग हैं, तो उसके ऊपर 307 की धारा लगाकर जेल में बंद किया गया है। तो वो लड़का उस दिन से अनशन पे है, लेकिन मामला ये है कि आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला, चुनाव आया है, आचार संहिता लगी है, उसके दौरान भी हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन इस समय चलना सभी पॉलिटिकल पार्टियों के किसान के ऊपर सोचने के लिए, किसान के मुद्दों के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये आंदोलन दिल्ली जाकर बैठकर अगर हम करते, उससे मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन उससे ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है।